जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। दोस्तों आज का मेरा, जैसे हर वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नई बात बताता हूं, तो आज का भी मेरा वीडियो इसी प्रकार का है। आपके लिए एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ बांट रहे हैं, उनको पता ही नहीं है किसी भी चीज़ का, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों कई बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेट होने के लिए कोरोना बहुत मतलब बड़ा कारण हो सकता है, आपकी ज्वाइनिंग लेट हो सकती है कोरोना की वजह से, या इस बार जो इस साल की जो ज्वाइनिंग है वो अभी बहुत लेट होगी, क्योंकि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग होगी नहीं। और आपके मन में भी ये भय पैदा कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि आपको भी बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं उसके हिसाब से लगता है कि वो खुद बोलते हैं कि सर अभी कहाँ ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना से इफेक्टेड होकर आपकी ज्वाइनिंग में कोई देरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसकी बात करेंगे हम। तो दोस्तों बता दूँ पहले तो कि अगर आप SSC GD या आर्मी या किसी की भी तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा, फिजिकल, मेडिकल और एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में, और एग्ज़ाम कैसे तैयारी करना है तो उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों तो बताता हूँ दोस्तों कि कोरोना की वजह से इफेक्टेड क्यों नहीं हो गई आपकी ज्वाइनिंग, क्योंकि कईयों को लग रहा है कि कोरोना जो आपकी ज्वाइनिंग का दुश्मन हो गया है। कई लोग बोल रहे हैं ऐसा हो गया था केवल रीमेडिकल के टाइम, जिसकी वजह से आपका मेडिकल प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपकी मेरिट थोड़ी सी डिले हो गई है, उसमें तो कोरोना का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि कोरोना की वजह से जब पूरा देश ही लॉकडाउन की स्थिति में रहा है, तो आपको पता है आपका मेडिकल रीमेडिकल जिनका होना था उनका नहीं हुआ है। अभी 24 नवंबर तक वो आसपास वो फाइलें सबमिट होगी, तो इसकी वजह से तो थोड़ा सा लेट हुआ, ये बात तो मानता हूँ। लेकिन ज्वाइनिंग है इसकी वजह से लेट नहीं होगी, उसका रीज़न क्या दोस्तों? क्योंकि आपकी जो शुरुआत में जो ज्वाइनिंग होती है वो होती है दोस्तों ग्रुप सेंटर, और ग्रुप सेंटर बहुत ही बड़ा सेंटर होता है, छोटा नहीं। एक एक ग्रुप सेंटर आप मान के चलिए 20-20, 30-30 बीघा के होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, 30 बीघा के 50-100 बीघा, बहुत बड़े बड़े ग्रुप सेंटर होते हैं जिनमें बहुत जगह होती है। तो अगर आपको जैसे क्वारंटाइन, जैसे अभी छुट्टी से बंदे आ रहे हैं, वो भी तो अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं ना, जैसे अभी जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ इस जगह, सभी स्टेट आई थिंक भारत के सभी स्टेटों के लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तो सब जब छुट्टी से आते हैं तो वो भी क्वारंटाइन रह के फिर ड्यूटी पे लगी जाते हैं ना, 14 दिन क्वारंटाइन रखें। तो वैसे आपके साथ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ज्वाइनिंग के बाद में आपकी ज्वाइनिंग मतलब कोरोना की वजह से लेट नहीं। अगर आपका जैसे फाइनल मेरिट आई उसके अगले आप 20 या 25 दिन देख लेना कि आपको ज्वाइनिंग, हाँ जैसे आपकी ज्वाइनिंग करेगी आपका कोरोना टेस्ट होगा, और कोरोना टेस्ट के दौरान कोरोना टेस्ट लेके फिर आपको क्वारंटाइन रख दिया जाएगा। क्वारंटाइन में आपका जितना टाइम होगा उतना टाइम निकल जाए, उसके बाद में आपकी सारी कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। क्योंकि जब देश में सब कुछ चल रहा है, जब आपको रीमेडिकल चल गया है, सब कुछ चल गया जिनका नहीं होना था, तो उनसे भी तो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ऐसी अफवाहों पर आप ध्यान ना दो तो अच्छा है, सबसे बेटर है कि आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दो। और मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका जैसे रिजल्ट आएगा उससे अगले 20 या 25 दिन बाद की डेट आएगी। हाँ, साथ में कई मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आएगा, वो बनाना है, या हम जो पर्सनली बना रखे वो बनाना है? तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी मत बनाओ दोस्तों, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर जब इस बार आएगा तो ज़रूरी नहीं कि हमारा जैसे ज्वाइनिंग लेटर आया वैसे आएगा। मेरे ज्वाइनिंग लेटर आपको दिखाऊंगा मैं अगले वीडियो में कि क्या क्या नियम थे, वो पूरा ज्वाइनिंग लेटर दिखाऊंगा आपको, तो वैसा ही नहीं होगा दोस्तों। कुछ चेंजेज भी हो सकते हैं कोरोना की वजह से, या कुछ और भी चेंजेज हो सकते हैं कि भाई आपको ये लेके आना है, इस बैंक अकाउंट जो उसमें डिटेल लिखी हुई होती है दोस्तों वही डिटेल आपको फिल करनी है। तो आपको इसीलिए 25 या 30 दिन का टाइम दिया जाता है ज्वाइनिंग डेट का, ताकि आप वो सारी कार्रवाई कर सको। तो अभी आप ऐसा कुछ कोई डॉक्यूमेंट मत बनाओ, उसमें जो लिखा हुआ आएगा वही डॉक्यूमेंट्स, वही बैंक अकाउंट, बाकी सब उसी के अनुसार करना। तो कोरोना की वजह से आपकी ज्वाइनिंग लेट नहीं होगी दोस्तों, ये बिल्कुल गलत जानकारी जो भी आपको दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से आपको ज्वाइनिंग लेट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप सेंटर में बहुत जगह हैं, बहुत व्यवस्थाएँ होती है आपको रखने की, आसानी से आपको एक एक रूम में क्वारंटाइन करके, या अगर ग्रुप सेंटर से बाहर क्वारंटाइन सेंटर, जैसे कई ग्रुप सेंटरों के बाहर क्वारंटाइन सेंटर ले रखे हैं, तो वैसे आप उन क्वारंटाइन सेंटर में आप भी ले सकते हो। आपकी जैसे डेट ज्वाइनिंग की है वो 14-14 दिन के बाद में करके आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। जैसे 100-100 बंदे अभी रह रहे हैं, तो 100 बंदे आज और 100 बंदे 14 दिन बाद में, फिर 100 बंदे और 14 दिन बाद में, ऐसे ज्वाइनिंग करा जा सकती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, और आपकी ज्वाइनिंग होनी होनी है। तो जो भी आपको ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उन पर ध्यान ना दें, अब बस इंतज़ार करिए फाइनल मेरिट का, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट तक आपकी फाइनल मेरिट आ सकती है, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो आपको कैसी लगी जानकारी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितने मेरे व्यूअर हैं, जितने लोग देखते हैं उतने ही वीडियो पर लाइक होने चाहिए इसमें। जय हिंद दोस्तों।